नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में ड्रग माफिया युवाओं को बना रहे हैं नशे का शिकार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिरप बरामद। जल संसाधन विभाग के ऑब्जर्वर पहुंचे नवगछिया, गंगा एवं कोशी में हो रहे कटाव कार्य का लिया जायजा। नगर निगम सभागार में स्मार्ट सिटी सलाहकार समिति की हुई बैठक, सीईओ ने कहा सुझाव पर होगा अमल। प्रधान डाकघर के डाक निरीक्षक हुए कोरोना पॉजिटिव, कार्यालय बंद, परिसर को कराया जा रहा है सैनिटाइज। और समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। अब समाचार विस्तार से। इन दिनों जिले में नशे का कारोबार काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और नशा का कारोबार करने वाले लोग अलग अलग तरीके से नशीली पदार्थों की गिरफ्त में युवाओं को ले रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र की ट्रांसपोर्ट गली का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर तिलकामांझी एवं जोकसर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली सिरप बरामद किया है। ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार एवं मेडिकल टीम की मौजूदगी में हुई छापेमारी के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि बरामद सिरप डायलेक्स डीसी नशीली और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका उपयोग करने से शरीर में इम्यूनिटी कम होती है और नपुंसकता का भी खतरा होता है। नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले युवाओं को बरगला कर दो गुने से भी अधिक कीमत पर सिरप बेचा करते हैं और आरोपी के पास इसका कोई लाइसेंस भी नहीं है। वहीं पुलिस ने सिरप के साथ अवैध कारोबार करने वाले युवक विकास कुमार को भी मौके से गिरफ्तार किया है। कोडीन वाला सिरप बेचता है और बिना लाइसेंस का बेच रहा है। कोडीन कंटेनिंग है, पूरा नशा के लिए ही केवल इसका उपयोग करता है। ये कैसे सूचना मिली आपको? गुप्त सूचना के आधार पर। ये कितना कितना? 3 कार्टून। कितने मात्रा में होगा? 150। बिहार सरकार जल संसाधन विभाग उड़नदस्ता के अधीक्षण अभियंता राकेश रमन ने नवगछिया अनुमंडल में बाढ़ एवं कटाव से बचाव को लेकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। अधीक्षण अभियंता राकेश रमन को बाढ़ एवं कटाव निरोधी कार्य का ऑब्जर्वर बनाया गया है, जिसके तहत कटाव निरोधी कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगरपाड़ा तटबंध एवं इस्माइलपुर बिंद टोली के बीच स्थित स्पर संख्या 5 का निरीक्षण कर ऑब्जर्वर ने मुख्य अभियंता शशिधर पांडे से कटाव संबंधित कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों से तालमेल बैठाकर नवगछिया अनुमंडल को बाढ़ से बचाना है। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता मोहम्मद जफर राशिद खान, कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार, सहायक अभियंता रविन्द्र कुमार, कनीय अभियंता मुरारी सिंह, राजेंद्र कुमार, अनिल कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम सभागार में मंगलवार को स्मार्ट सिटी सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता स्मार्ट सिटी के सीईओ सुनील कुमार ने की। इस दौरान सलाहकार समिति से जुड़े लोगों ने स्मार्ट सिटी के सीईओ से सैंडिस कंपाउंड में कराए जा रहे कार्यों की जानकारी ली, साथ ही कई सुझाव भी दिए। वहीं चीफ जनरल मैनेजर ब्रजेश कुमार ने प्रोजेक्टर के द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने वाले कार्यों की जानकारी दी। सीजीएम ने बताया कि सैंडिस कंपाउंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनेगा, साथ ही स्टेशन क्लब को भी नया लुक देने की तैयारी चल रही है। बैठक में नए शौचालय, व्यायामशाला और पार्क पर भी चर्चा की गई। वहीं पार्षद संजय सिन्हा ने स्मार्ट सिटी के सीईओ से शहर में लगाए गए कैमरे के बारे में पूछा, जिस पर सीईओ ने बताया कि 800 में से 100 कैमरे विभिन्न चौक चौराहों पर काम कर रहे हैं। जबकि इसके बाद एडवाइजरी कमेटी के कुछ सदस्यों ने सैंडिस कंपाउंड में चल रहे निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराने की बात कही। बैठक के दौरान स्मार्ट सिटी योजना पर जनहित याचिका दाखिल करने का मामला भी चर्चा में रहा। स्मार्ट सिटी के सीईओ ने कहा कि समिति से मिले सुझावों पर नियमानुसार अमल किया जाएगा। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला, जियाउल रहमान समेत सलाहकार समिति से जुड़े कई लोग मौजूद थे। भागलपुर प्रधान डाकघर के डाक निरीक्षक भी कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार हो गए हैं। डाक विभाग के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फिलहाल प्रधान डाकघर को बंद कर दिया गया है और साथ ही पूरे परिसर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। मंगलवार को प्रधान डाकघर पूर्णतः बंद रहा। डाक निरीक्षक के बारे में बताया जा रहा है कि 16 और 17 जून को डाक इंस्पेक्टर डाक अधीक्षक के साथ निरीक्षण करने पहुंचे थे, इसी दौरान कई लोगों के संपर्क में आ गए थे। फिलहाल कोरोना संक्रमित डाक निरीक्षक का इलाज पटना एम्स में चल रहा है। पोस्टमास्टर सुनील कुमार सुमन ने कहा कि सिविल सर्जन को पत्र लिखकर सभी कर्मियों के परिवार सहित जांच कराने की मांग की गई है। अधीक्षक महोदय द्वारा हमें सूचित किया गया, हमारा एक कर्मचारी जो 15 से 18 तक
लगातार हेड ऑफिस में थे, डिविजनल ऑफिस में थे, पोस्टल कॉलोनी में रहते हैं, उन्हें वो पटना गए हुए थे, वहाँ घर पड़ता है, वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई, जांच कराया तो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और एक उन्हीं के साथ एक अधिकारी और कर्मचारी है जो सस्पेक्टेड लग रहा है, सर्दी खांसी बुखार है, तो इस स्थिति को देखते हुए डाक अधीक्षक महोदय के मौखिक इन्फॉर्मेशन पर आज डाकघर बंद है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान भागलपुर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रोहित पांडे और शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रशांत विक्रम समेत कई लोगों ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वहीं जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद और अखंड भारत के संस्थापक थे। वहीं शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रशांत विक्रम ने कहा कि 33 वर्ष की अल्पायु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर प्रीति शेखर, डॉक्टर सुमन कुमार, अनिल कुमार, दिलीप कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस का कार्यक्रम है, जिसको हम लोग समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज यह समर्पण दिवस का कार्यक्रम भागलपुर जिले के हर बूथों पर मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज प्रशांत विक्रम जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, इनके अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया है। मेरा यही संदेश होगा कि आज मैं पार्टी में आया हूँ और मुझे यह दायित्व दिया गया है शिक्षा प्रकोष्ठ भागलपुर का, तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज के दिन मैं इस शिक्षक प्रकोष्ठ कार्यालय का शुभारंभ हुआ और यह सबसे खुशी की बात है कि हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस, जिनका पुण्यतिथि है, सबसे पहले मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। और उनके विचारधारा, बल्कि वो एक राजनेता, एक चिंतक नेता थे वो, और वो कलकत्ता में जन्मे, और सबसे बड़ी बात कि आज हम युवा हैं, वो सबसे कम उम्र में उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की। उन्होंने कम उम्र में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के वह कुलपति बने, मात्र 33 साल की उम्र में वो कुलपति बने। वहीं पीरपैती के हरदेव चक काली मंदिर प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। किसान मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष विकास सिंह राठौर की उपस्थिति में डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया तथा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र भी बांटा। मौके पर राकेश सिंह, अमरजीत भारती, संतोष मिश्रा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG,
अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था, लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एच आई फारूक की देखरेख में किया जाता है, डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है, और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आंख, नाक, मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा मोर्चा नवगछिया इकाई की ओर से मंगलवार को बलिदान दिवस के अवसर पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। नवगछिया सैदपुर से निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ता ने तिरंगा और शहीदों के सम्मान में नारा लगाया और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तिरंगा यात्रा गोपालपुर शहीद स्मारक पहुंचकर संपन्न हुआ, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया और चीन निर्मित वस्तुओं का उपयोग नहीं करने की देशवासियों से अपील की। भाजयुमो जिलाध्यक्ष रूपेश कुमार ने कहा कि बलिदान दिवस पर शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील आम लोगों से की गई। इस मौके पर कृष्ण कुमार, मुकेश राणा, रोमेन सिंह, आलोक सिंह बंटू समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 15 तारीख को गलवान वैली में भारत माता के 20 बेटों ने अपना शहादत दिया था। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा नवगछिया इकाई जो है गोपालपुर की धरती पर सैदपुर दुर्गा स्थान से गोपालपुर शहीद स्मारक तक और इस कार्यक्रम के संयोजक यहाँ मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह जी हैं, इनके संयोजन में पूरी यात्रा निकाली जा रही है। वीर शहीदों के सम्मान में ये यात्रा है। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से 27 जून को हेलन केयर्स जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में वेबिनार, ई संवाद एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें राज्य के 51 लाख दिव्यांग जन एवं उनके परिवार के सदस्य के साथ संवाद करने का लक्ष्य रखा गया है। जन जागरूकता कार्यक्रम में 21 प्रकार के दिव्यांग जनों के साथ चर्चा की जाएगी, जिससे 100% दिव्यांग जन अपने मताधिकार का प्रयोग सरलता के साथ कर सकेंगे। इसके अलावा भागलपुर प्रमंडल के दिव्यांग जनों के लिए ऑनलाइन न्यायालय का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिकायतों का निपटारा होने के साथ साथ कई प्रकार की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। कोविड-19 को लेकर दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राज्य आयुक्त निःशक्तता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, जिससे कोविड-19 के कारण हो रही समस्याओं एवं शिकायतों पर नजर डाला जा सकेगा। इस दौरान पेंशन, राशन, पुनर्वास, राशन कार्ड समेत कई तरह के मामले की शिकायत की जा सकेगी। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिंदुसार मंडल ने कहा कि भागलपुर प्रमंडल के दिव्यांगजन अपनी समस्या या शिकायत को लेकर कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं,
जिसमें ई कोर्ट के माध्यम से हर संभव समाधान किया जाएगा। भागलपुर नगर निगम मुख्य द्वार के सामने मंगलवार को नगर आयुक्त का पुतला फूंका गया। युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों की 12 सूत्री मांगों के समर्थन में नगर आयुक्त का पुतला फूंका, साथ ही नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि पिछले दिनों दैनिक और अस्थायी सफाई संघ के कर्मियों ने निगम में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और दैनिक सफाई कर्मियों को मनमाने ढंग से हटाने के विरोध में 2 दिवसीय धरना दिया था, लेकिन धरना के बाद भी निगम प्रशासन ने सफाई कर्मियों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश ने कहा कि नगर आयुक्त से कई बार बात करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन नगर निगम के बाबुओं ने वार्ता नहीं होने दिया। पिछले 2 दिनों से नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो अनशन पे बैठे हुए थे और उनका हमने समर्थन किया। उसके बाद हमने कोशिश किया नगर आयुक्त से मिलने और इनकी मांगों को, जो कि इनका अधिकार है, उसको लेके जब मिलने का हम लोग प्रयास किए तो नगर आयुक्त मिलने के लिए तैयार नहीं हुई। इनके मांगों में मुख्य मांग जो इनका है, ये नगर निगम में बहुत सारे कर्मी ऐसे हैं जो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, जिनका कि अस्थायीकरण नहीं किया गया। पिछले साल इनका वेतन को लेके 421 रुपया निर्धारित किया गया था, जो कि आज तक नहीं मिला। बांका के फुल्ली डूमर में रास्ता विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर